नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। तबलीगी जमात से फैल रहा है कोरोना वायरस, चीन के बाद पाकिस्तान बना कोरोना का केंद्र। कोरोना वायरस के फैलने के पीछे क्या एक बड़ा कारण तबलीगी जमात के होने वाले जलसे हैं? दरअसल ये सवाल तब उठा जब पिछले हफ्ते गाजा में कोरोना वायरस के 2 पॉजिटिव मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। जब गाजा के अधिकारियों ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि दोनों व्यक्ति पाकिस्तान से वापस लौटे हैं, जो वहां तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस महीने लाहौर के रायविंड इलाके में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें करीब 80 देशों के मुस्लिम मौलाना भी शामिल हुए थे। चिंता की बात यह है कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन और लोगों को एक साथ इकट्ठा होने पर रोक लगा रही है, वहीं आए दिन तबलीगी जमात कार्यक्रमों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को दुगना कर दिया है। जानकारों का मानना है कि चीन और ईरान के बाद अब कोरोना के फैलने का खतरा तबलीगी जमात और उनमें शामिल हुए मौलानाओं से है। गाजा पट्टी में कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि करते हुए फिलिस्तीन के डिप्लोमेट डाया हडीड ने कहा कि 2 फिलिस्तीनी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जो मार्च के महीने में लाहौर में हुए एक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। इसमें हजारों और लाखों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। चिंता की बात ये भी है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल मौलाना वापस लौट दूसरे देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण कर रहे हैं। इनमें से कुछ एक देश से दूसरे देश लगातार आते जाते हैं। इसी तरह का एक मामला भारत में भी सामने आया है, जहां पिछले हफ्ते तमिलनाडु के सलेम जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के आधार पर इंडोनेशिया से आए 11 मौलाना को जिला अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। तबलीगी जमात से जुड़े सभी इंडोनेशियाई मौलानाओं ने पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु के 4 मस्जिदों का दौरा भी किया था, जहां काफी भीड़ थी। सलेम जिले के प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तबलीगी जमात से जुड़े मौलाना आए दिन बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देशों में आते जाते रहते हैं, जिनसे पूरी दुनिया में कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बन गया है। तबलीगी जमात मौलाना और इस्लाम के जानकारों का एक ऐसा संगठन है जिसमें कट्टर इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। लाहौर में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल कई लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ऐसे ही सिंध के रहने वाले 4 लोगों को पाकिस्तान के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी तरह किर्गिस्तान देश के 5 मौलाना में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिन्हें इस्लामाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले की पुष्टि करते हुए इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शफाकत ने ट्विटर पर लिखा कि सभी किर्गिस्तानी लोगों ने बड़ी लापरवाही की है, क्योंकि इन सभी लोगों को ये मालूम था कि उनमें कोरोना के लक्षण है और इसके बावजूद वो पूरे शहर में घूमते रहे, जो एक क्रिमिनल एक्ट है। देखा जाए तो तबलीगी जमात ने पाकिस्तान की तरह ही इस साल फरवरी महीने में मलेशिया के क्वालालंपुर में कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। मलेशिया मीडिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की वजह से मलेशिया में कोरोना वायरस बेहद तेजी से फैला। इसमें उपस्थित हुए मौलानाओं ने थाईलैंड, ब्रुनेई और पूर्वी और दूसरे दक्षिण एशिया के देशों में कोरोना वायरस को फैला दिया। पाकिस्तान से कोरोना वायरस फैलने का खतरा इस वजह से भी बेहद ज्यादा है कि पाकिस्तान सरकार कट्टरपंथियों के दबाव के चलते मस्जिदों को बंद नहीं कर पा रही है। हर शुक्रवार को जुम्मे की होने वाली नमाज के दौरान पाकिस्तान की लाखों मस्जिदों में भारी भीड़ होती है, और ऐसे में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को रोक पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन हो सकता है। पिछले शुक्रवार को इस्लामाबाद के फैजल मस्जिद में लाखों लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी। पाकिस्तान के कट्टरपंथी लगातार लोगों से मस्जिदों में आकर नमाज पढ़ने को कह रहे हैं, और लाउडस्पीकर से बकायदा लोगों को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की मस्जिदें नमाज के लिए खुली रहेंगी। देखा जाए तो ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों ने सभी को घर पर ही नमाज पढ़ने की सलाह दी है और सभी मस्जिदों पर ताला लगा दिया है, जिससे कोरोना वायरस से निपटा जा सके। लेकिन पाकिस्तान में ठीक इसके उलट है।
पाकिस्तान और दक्षिण एशिया के देशों के सामने जहां एक तरफ तबलीगी जमात के कार्यक्रम से कोरोना का खतरा है, वहीं ईरान से लौटे पाकिस्तानी भी अपने देश में कोरोना के खतरे में इजाफा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शुक्रवार तक कोरोना के जो 892 मामले सामने आए हैं, उनमें 78% ऐसे लोग हैं जो ईरान से वापस लौटे हैं। ईरान से आए कोरोना वायरस के मरीज पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों से हैं, जिनमें सिंध के 399, पंजाब के 249, बलूचिस्तान के 110, गिलगित बाल्टिस्तान के 80, खैबर पख्तूनख्वा के 38 और इस्लामाबाद के 15 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर जफर मिर्जा ने टीवी पर दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में जिन कोरोना के 892 मामलों की पुष्टि हुई है, उन्होंने ईरान की यात्रा की हुई है। तबलीगी जमात से जुड़े लोग कई महीनों तक छोटे छोटे ग्रुप में एक साथ रहते हैं। जानकारों के मुताबिक पहले फेज में कोरोना चीन से पाकिस्तान और ईरान में फैला और अब तबलीगी जमात के जरिए दक्षिण एशिया के देशों में बड़ी तेजी से फैल रहा है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।